बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इशराह सदरी यस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कल इत्थे जिहड़ा होया इजतमा, उस दे बारे क्लिप चल रहे ने कि आज़ादारी नूं रोकिया गया, आज़ादारी तो मना किया गया, आज़ादारी ते आउण तो जिन्ना मना किया उन्हां दे बारे क्लिप चल रहे ने। आज़ादारी सैयद आरिफ हुसैन शाह, सैयद हादी शाह, इलाके जिवें करवाइए जिवें मनवाइए वो सारी आवाम नूं पता है कि आज़ादारी जिवें हुंदी है, साडियां नस्लां नूं भी पता है, साडे बच्चां नूं भी पता है। असीं हर मकाम ते जाके किसे तो कोई न्याज का मुतालबा, किसे तो कोई फीस का मुतालबा, कोई पैसों का मुतालबा हो तो बंदा हुण खड़ा हो जाए कि तुसां दुआ पिरावां चंद शाह या बाबू शाह, तुसां साडे अग्गे आए मुतालबा कीता है, पैसे मंगे ने आने वास्ते या मजलस से या संगत लियाने वास्ते, तुस आ कीता है। असी आज़ादारी घर घर जा कराइए, आज़ादारी डकन वास्ते नहीं, आले मुहम्मद की वफादारी के खिलाफ प्रचार करन दे खिलाफ असी बोले। उन्हां मौलवियां दा सारिआं नूं पता है, मैं ना नहीं लैणा चाहुंदा किसे नूं, कोई ये नहीं भाई कम इलमी है या किसे नूं कोई पता ना या किसे नूं आ गल नहीं पता, मैं उन्हां दे सामने भी ये गल कीती है, भाई उन्हां तों ही पुछो चा भाई नमाज़ विच अली अन वलीउल्लाह दा मकाम की है। अगर वह दस सकते हैं, अगर वह थानू दस देन भाई साडा ईमान है अली अन वलीउल्लाह के बगैर नमाज नहीं होंगी तो असी बिच बह के सुना दे, असी तो इन्ना भी आखिया जेड़ा पेश नमाज अली अन वलीउल्लाह जहरन भी मुनाफकत नाल पढ़ा दे असी उनके पिछे पढ़ने, चाहे वह मुनाफकत नाल ही जहरन पढ़ता रहे असी उनके पिछे नमाज पढ़ने। असी इन्ने तक गए हाँ आजा इलाके की अमन चैन वास्ते सुकून वास्ते, असी इन्ना भी आख्या जेड़ा पेश नमाज अली अन वलीउल्लाह इलानिया तौर पर नमाज इच पढ़े चाहे वह दिलों ना मनता हो असी उनके पिछे नमाज पढ़ा। तो गाली जेड़ा आखना है ना, गाली असी अगर कोई असूले दीन इच तरमीम की हो इमामत नूं असी आख्या हो पहला नंबर है, नहीं नहीं तौहीद पहला नंबर है, नबूवत इमामत, इस हिसाब नाल असा कलमा भी पढ़ने ला इला लल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अन वलीउल्लाह, अली अन वलीउल्लाह पहली तौहीद है, दूसरा नबूवत है, तीसरी इमामत। इवें तौहीद लिखने असी आने तौहीद का भी तां फायदा है, ला इला लल्ला का भी तां फायदा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का भी फायदा है, तां जे अली अन वलीउल्लाह पढ़ना है। अगर ये कोई बंदा कट के या अली अन वलीउल्लाह नूं साइड ते रख के ला इला लल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उन्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि रसूल पाक की हदीस है साढ़े को, एक बंदा सारी उम्र हज करता रहे पा प्यादा, वह बंदा ओद और सफा मरवा दे दरम्यान सही करता है शहीद हो जाए, ओद पहाड़ जितना खुदा दी राज सोना चांदी जकात देवे काबे दा तवाफ करदे हैं शहीद हो जाए, लेकिन ए या अली अगर तेरी मुहब्बत उनके दिल च भी नहीं वो जन्नत बजाय खुद जन्नत की खुशबू भी नहीं सुख सकती। मजलस ओ ही है, ईमान ओ ही है, आजादारी ओ ही है, नमाज ओ ही है जिंदे च मौला अली अलैहिस्सलाम दा नाम है, जिंदे च मौला अली अलैहिस्सलाम दा जिक्र है, जिंदे च मौला अली अलैहिस्सलाम दा फजीलत बयान की जाए, जेड़ी मौला अली अलैहिस्सलाम दे आलम हुण सानू भी पता है, इतने जै लोग कोई नहीं, सानू भी पता है, थानू भी पता है, मातमियों भी पता है, सारे आजादारा पता है, जेड़ा जेड़ा ग्रुप अलहदा हो गया है मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत वो इजतमा कर गए ने आजादारी के खिलाफ विलायत अली के खिलाफ, वह सारे पता है, मैं उन्होंने कोई ना नहीं लैना चाहता, लेकिन मजलस वही है जी मौला अली अलैहिस्सलाम की, जी हुसैनीयत है, आजादारी वही है
जिहड़ी हुसैन हुसैन कर दे बार मुहम्मद वाले मुहम्मद सलवात जी। हाँ ये तुहानू पता ही है कि सारे आलम दसते रहते हैं रसूल पाक ने 23 साल तबलीग दीन की लेकिन अल्लाह ने खुमे गदीर ते ऐत नाजल कर दी ऐ रसूल अगर तू अली यान वलीउल्ला ना पहुँचाया तू रसालत का कोई काम नहीं किया। रसूल दी रसालत ना मुकम्मल है अगर वह अली यान वलीउल्ला का प्रचार ना करे अगर वह लोगों तू मनवा के ना जाए। रसूल पाक ने एक एक बंदे तू मनवाया मुबारक दो आके विलायत अली दी और मुबारक दो अली दी आज दी खिलाफत दी बादशाह दी मौला अली अलैहिस्सलाम दे इलाने विलायत दी आके मुबारक दो और सारे दित्ती है सारे उत्ते मन के बाद इच मुकरे ने।